श्रृंखला में स्वागत है। आज हम मैं मुस्कान सांगानेरिया और हमारे साथ बने हुए हैं वास्तु विशेषज्ञ श्रवण कुमार सांगानेरिया जी। सांगानेरिया जी, आज आप हमारे दर्शकों को किस विषय में जानकारी प्रदान करना चाहेंगे? आज मैं आपको स्टेयरकेस यानी सीढ़ियां घर में कैसी होनी चाहिए। अभी अभी मैं कुछ दिनों पहले बम्बई गया था, वहाँ मैंने 3-4 घर देखे, प्राय घर में मुझे सीढ़ियों की प्लेसमेंट गलत मिली। तो शायद ज्ञान के अभाव में, वास्तु के अभाव में लोगों ने गलत सीढ़ी बनाई, क्योंकि सीढ़ी का गलत होना घर में बड़ा ही गलत माना जाता है। यानी सीढ़ी अगर गलत हो तो घर में मानसिक अशांति, धन का नाश और आपस में लड़ाई झगड़े होना आम बात हो जाती है। अतः सीढ़ी हमेशा घर के पश्चिम या दक्षिण में बनाए, इसे दक्षिण पश्चिम कोने में भी बना सकते हैं, पर सीढ़ी बनाते समय एक बात का ध्यान रखें, चढ़ते समय हम दक्षिण यानी साउथ या पश्चिम की ओर चढ़े, यानी उतरते हुए हमारा मुंह उत्तर यानी नॉर्थ या पूर्व या ईस्ट की तरफ हो। कभी भी आप सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार न करें कि उतरते हुए आप पश्चिम की तरफ उतरे या दक्षिण की तरफ उतरे। हमेशा सीढ़ी का निर्माण इस प्रकार करें कि आपका मुंह उत्तर या पूर्व में हो। सांगानेरिया जी, तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि क्या सीढ़िया ईशान कोण में बनाई जा सकती है? मैंने अभी अभी बताया सीढ़ी दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोने में ही बनाए। ईशान कोने में तो भूल कर भी सीढ़ी ने बनाए। ईशान कोण हमारे हिसाब से वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, और अगर मस्तिष्क में आप सीढ़ी बनाते हैं और बार बार उत्तर चढ़ते हुए पांव देते हैं और सीढ़ी का वजन भी भारी होता है, तो अगर ईशान कोण में आपके सीढ़ी है तो आपका पतन होना निश्चित है। अतः मैं आपसे भूल कर भी, आप नहीं कोई भी आपका दोस्त यार या सगे संबंधी बनाए, यदि वो भूल कर ईशान में सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हैं तो आप उन्हें एकदम रोक दें, उन्हें कह दें कि ये बनाने से आपका एकदम मतलब विपत्ति स्टार्ट हो जाएगी। कभी भी किसी को भी भूल कर राय न दें कि उत्तर पूर्व कोने में सीढ़ियों का निर्माण करें। सांगानेरिया जी, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि सीढ़ियां कौन से स्थान में होनी चाहिए? सीढ़ियां हमेशा सर्वश्रेष्ठ स्थान है पश्चिम में या उत्तर पश्चिम में पश्चिम की ओर या दक्षिण पश्चिम में दक्षिण की ओर, सीढ़ियों का सर्वश्रेष्ठ स्थान यही है। बाकी आप वैसे तो आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व में भी सीढ़ी बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन श्रेष्ठ स्थान पश्चिम और दक्षिण ही है। सांगानेरिया जी, क्या सीढ़ियां घर के मध्य भाग में बनाई जा सकती है? भूल कर भी सीढ़ी कभी मध्य भाग में न बनाएं। घर का मध्य भाग में अगर सीढ़ी बनेगी तो वहां के रहने वालों के पेट में हमेशा पेट की शिकायत रहेगी या कोई बीमारी रहेगी, और उनका कभी भी कोई काम ढंग से नहीं होगा, हरदम विपत्तियां उनको चारों ओर से घेरी रहेगी। अतः मेरा ये निवेदन है, घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोण में और घर के मिडिल सेंटर में भूल कर भी सीढ़ी न बनाएं। सांगानेरिया जी, क्या सीढ़ियों के पैटर्न में भी वास्तुशास्त्र निर्माण कराता है, जैसे कि सीधी होनी चाहिए या घुमादार होनी चाहिए? सीढ़ी श्रेष्ठ तो यही है, सीढ़ी एकदम स्क्वायर मतलब सीधी चढ़ते हुए फिर राइट टर्न होके सीधी आई। आजकल समय के अभाव में बनाते हैं, लेकिन राउंड सीढ़ी या और टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी वो बनाते हैं, वो इतनी अच्छी नहीं रहती। सीढ़ी हमेशा सीधी ही बनाए, वो श्रेष्ठ होती है। और ध्यान रखें, सीढ़ी बनाते समय हमेशा राइट टर्न यानी क्लॉक वाइज बनाए, कभी भी लेफ्ट टर्न या एंटी क्लॉक वाइज न बनाए। अच्छा सांगानेरिया जी, सीढ़ियों की पेड़ियों की जो संख्या होती है, क्या उसमें भी वास्तुशास्त्र का कोई निर्माण है? ये अपना अच्छा प्रश्न पूछा, सीढ़ियों में पेड़ियों की संख्या वास्तु के अनुसार होती है। कभी भी सीढ़ियों की संख्या सम में न करें, जैसे 2, 4, 10, 20, 50 कभी न करें। सीढ़ियों की संख्या एकदम विषम यानी विषम में होनी चाहिए, जैसे 21, 23, 51, 71 इस प्रकार बनाए, कभी भी सम में न बनाए, हमेशा सीढ़ियों की पीढ़ियों की संख्या विषम में ही बनाए। सांगानेरिया जी, क्या सीढ़ियां घर के कमरों के अंदर हो सकती हैं? कमरों के अंदर कभी भी सीढ़ियां न बनाए, सीढ़ियां यदि हमेशा बनाए दक्षिण पश्चिम में बनाए। हाँ, अगर सीढ़ियों अगर कमरे में बनाए जाए तो सीढ़ियों कमरे के दक्षिण या पश्चिम में ही बनाए। और एक बात में और अपने ये तो मुझे याद है, सीढ़ियों कभी भी आपके पूजा रूम या रसोई से स्टार्ट ना हो, सीढ़ियों के स्थान ऐसा बनाए
जो अलग से ही आप निकले हो वहां से। धन्यवाद सांगनेरिया जी। हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि उन्होंने किसी ने बताया था कि उनके सीढ़ी के ऊपर छत बनाना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, सीढ़ियों को हमेशा छत बनानी चाहिए। अगर आप ओपन रखेंगे तो पानी गिरेगा और सीढ़ियों फिसल रही आदमी गिरेंगे, इसे सीढ़ियों के ऊपर छत अवश्य ही बनानी चाहिए। सांगनेरिया जी, मैं अगला प्रश्न ये है कि बहुत लोग कहते हैं कि सीढ़ी के नीचे तिजोरी नहीं रखना चाहिए, तो इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? तिजोरी के नीचे कोई सामान नहीं रखना चाहिए। तिजोरी के नीचे बहुत आदमी तिजोरी के नीचे शौचालय बनाते थे, ये एकदम गलत है। अगर सीढ़ी के नीचे शौचालय बनाते हैं तो वहां पर रहने वाले को कब्ज की बीमारी रहेगी, और तिजोरी बनाते हैं, अगर तिजोरी जैसे आपने पूछा तिजोरी रखते हैं तो वहां कभी भी उस तिजोरी में पैसा नहीं रहेगा, वो सही तिजोरी हमेशा खाली रहेगी। सीढ़ियों के नीचे केवल आप स्टोर रूम बना सकते हैं, बाकी बहुत से मैं घर में देखा हूँ सीढ़ियों के नीचे स्टाफ का रूम बना देते हैं। यदि आप घर में के सीढ़ियों के नीचे स्टाफ का रूम बना देंगे, वो स्टाफ हमेशा बीमार रहेगा और मानसिक तनाव में रहेगा, वो कभी भी आपके कोई काम में खरा नहीं उतरेगा। अतः मेरा आपसे निवेदन है सीढ़ी के नीचे ओनली स्टोर रूम बनाए, बाकी किसी चीज का ना बनाए। कभी भी कोई ये मत करे कि ये जगह मेरी बर्बाद जा रही है, वो अगर 150 स्क्वायर फीट आपकी बर्बाद जा रही है तो जाने दे, लेकिन उसको स्टोर रूम ही बनाए, बाकी अन्य चीज में उपयोग करना एकदम वर्जित है। सांगनेरिया जी, अब हमारे कुछ दर्शकों ने हमारे पिछले प्रोग्राम को लेकर कुछ मेल भेजे हैं, आइए देखते हैं। पहला सवाल है रवि अग्रवाल का सवालकुची से, उन्होंने कहा है कि उनका बेडरूम में मिरर लगा हुआ है, पर शायद उनको उनके बहुत सारे दोस्तों ने कहा है कि वो गलत है, तो कृपया उन्हें ये बताएं कि बेडरूम में मिरर कहाँ और कैसे होनी चाहिए। रवि जी, यदि आपके बेडरूम में आईना यानी मिरर उत्तर या पूर्व की दीवार पर है और उस मिरर में आपका पलंग नहीं दिखा रहा हुआ हो तो आपका मिरर एकदम सही है। हाँ, यदि आपका मिरर रूम के दक्षिण या पश्चिम में है तो वह एकदम बिल्कुल गलत है, इसे आप अभिलंब हटा दें या कवर सिस्टम बना लें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। दूसरा हमारा सवाल है सुनील यादव का रंगिया से, उन्होंने ये कहा है कि मेरा ड्राइंग रूम दक्षिण पश्चिम में है, क्या ये सही है? यादव जी, दक्षिण पश्चिम में ड्राइंग रूम होना गलत है, किंतु अब आप अगर उसको चेंज कर सकते हैं, उसे उत्तर या पूर्व की तरफ ले जा सकते हैं तो श्रेष्ठ है। यदि नहीं ले जा सकते तो आप ड्राइंग रूम का फ्लोर का इस प्रकार उठा दें कि वो बाकी सभी प्लेट्स के 2 इंची ऊंचा हो, तब इसमें आपको थोड़ी रियायत मिलेगी। ये और ऐसे अगर आप पूछें तो दक्षिण पश्चिम में ड्राइंग रूम होना बिल्कुल गलत है। सांगनेरिया जी, एक मैं निजी प्रश्न है आपसे, कई बार होती है कि हमारे घर का कोई सामान खराब हो जाता है तो हम उसे रिपेयरिंग के लिए रख देते हैं पर वो रिपेयर करवाते नहीं है, तो क्या घर में टूटे फूटे सामान का होना या फटे फूटे कपड़े का होना वर्जित है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हम मनुष्य, हम लोग हैं, हमें लोभ सताता है, ऐसी हमारी कोई भी पुरानी चीज खराब हो जाती है हम उसका मोह नहीं छोड़ते, रख देते हैं, हाँ ठीक कराएंगे, वो कराएंगे। कभी भी खराब वस्तु या टूटी हुई वस्तु घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि खराब या टूटी हुई वस्तु हमेशा नकारात्मक यानी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे आपके घर में अशांति का माहौल बन सकता है। अतः भूल कर भी खराब वस्तुएं ना रखें। हाँ, यदि खराब हुए तो उसे तुरंत ठीक करवा लें, किंतु खराब वस्तुएं घर में कभी ना रखें। धन्यवाद सांगनेरिया जी आज हमारे साथ बने रहने के लिए, आप सभी का भी धन्यवाद। अगर आपको हमारे विषय को लेके कोई भी प्रश्न है आप हमें मेल कर सकते हैं sanganeriashravan@gmail.com। धन्यवाद, नमस्कार।